हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। आइए देखते हैं। देखिए, आप जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन, तो जरा उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये ऊपर वाला अलग माध्यम है, नीचे वाला अलग माध्यम, ठीक है। जैसे माना कि ऊपर है वायु, ऊपर हवा है और नीचे का माध्यम है जल, तो ये सामान्य बात है कि जल की अपेक्षा हवा क्या होगा, विरल माध्यम होगा। जल क्या होगा, सघन माध्यम होगा। ये इसका तल है, हमने एक अभिलंब ले लिया। ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो इस अभिलंब से दूर भागता है। ये सीधे जाने के बजाय थोड़ा दूर भागेगा। देखिए, अभिलंब से क्या भागा, दूर भागा, इस अभिलंब से दूर भागता है। सामान्य बात है, सब लोग जानते हैं कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, फिर से वही सिचुएशन है, ऊपर हवा है, नीचे जल है। ध्यान दीजिए, हमने इस आपतन कोण का मान को थोड़ा बढ़ाया। अब जानते हैं कि ये आपतन कोण होता है, ये अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। ये आपतन कोण आई और ये अपवर्तन कोण आर। आपतन कोण को और बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण भी और बढ़ेगा, यानी ये प्रकाश का हमने आपतन कोण को थोड़ा बढ़ा दिया। देखिए, इसको हमने थोड़ा बढ़ा दिया तो ये और भागेगा, ये और भागा, अपवर्तन कोण का मान और बढ़ गया। आई का मान बढ़ाए तो आर का मान भी बढ़ गया। आगे देखिए, अब हमने क्या किया, ऊपर से फिर से वही सिचुएशन है, ऊपर हवा है, नीचे पानी है। हवा पानी से मतलब नहीं है, मतलब है कि ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है। अब थोड़ा सा और हमने आपतन कोण को तो और थोड़ा आपतन कोण को बढ़ा दिया, आई का मान और बढ़ा दिया, तो ये वाला जो अपवर्तित किरण है ये मुड़ते मुड़ते 90 डिग्री मुड़ गया, यानी यहाँ ऐसे चला गया। देखिए, यहाँ 90 डिग्री कोण बन गया, 90 डिग्री, आर का मान हो गया 90 डिग्री। तो जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो ये आपतन कोण ही, ये आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है। ये आई ही क्या कहलाता है, आईसी, यानी क्रांतिक कोण। 90 डिग्री अपवर्तन कोण के लिए आपतन कोण ही क्रांतिक कोण है। अब देखिए एक सिचुएशन कि आपने क्या किया, ऊपर फिर से वही सिचुएशन है, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, हमने आपतन कोण को और थोड़ा बढ़ा दिया। तो आपतन कोण को और बढ़ाएंगे तब तो देखिए, आपतन ये अभिलंब से दूर भाग रहा था, आपतन कोण को थोड़ा बढ़ाए तो अपवर्तन कोण और बढ़ गया, और थोड़ा आपतन कोण को बढ़ाए तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया, और थोड़ा बढ़ाएंगे तो नीचे ही भागाएगा ना। यानी पानी से प्रकाश गया था, आपतन कोण को और भगाए तो पानी में ही प्रकाश लौट गया। जिस माध्यम से प्रकाश गया था उसी माध्यम में लौट गया। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी इसका परिभाषा क्या होगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भागता है। जैसे जैसे आपतन कोण को बढ़ाते हैं अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है। लेकिन अगर हमने क्रांतिक कोण से भी ज्यादा आपतन कोण को बढ़ा दिया, यहाँ देखिए आपतन कोण का मान जो है, आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो गया, ठीक है। फिर से, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाए तो प्रकाश अपने पहले वाले माध्यम में ही लौट जाता है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी पानी से प्रकाश गया, पानी में ही लौट आया। तो इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा, कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो प्रकाश अपने पहले वाले माध्यम में ही लौट आता है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये घटना घटने के लिए दो शर्तें हैं। पहला शर्त यह है कि आपतन कोण का मान, पहले तो ये देख लीजिए, पहला शर्त यह है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाना चाहिए, और दूसरा शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें। अब इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उदाहरण देखने को मिलता है ये देखेंगे कि आखिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या क्या उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो आप जानते हैं इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे मृग मरीचिका का बनना। अब ये मृग मरीचिका क्या होता है, ठीक है, इंद्रधनुष का बनना, ठीक है। इसी तरह
संचार में बहुत सब जगह पर हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हम लोग उदाहरण देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि मृग मरीचिका क्या है। तो आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में आप जाते हैं सड़कों पर, ठीक है, गर्मी के दिन में हम आगे देखते हैं लगता है कि सड़क पर आगे पानी है, पानी होता नहीं है लेकिन हमको दिखता है कि रोड पर बारिश हुआ है या कहीं से पानी है। हम नजदीक जाते हैं तो पानी नहीं दिखता है, फिर आगे रोड पर दिखता है गर्मी के दिनों में कि फिर वहां पर पानी है, फिर जाते हैं तो पानी नहीं रहता है। इसी तरह राजस्थान में रेगिस्तान में जो जाते हैं उनको दिखता है दूर की पानी नदी बह रही है और नजदीक जाते हैं तो वहां पानी नहीं रहता है, ठीक है। इस घटना को कहते हैं मृग मरीचिका, पानी दिखता है लेकिन होता नहीं है, इसे कहते हैं मृग मरीचिका। अब इसे मृग मरीचिका क्यों कहते हैं? तो देखिए, मृग का मतलब होता है हिरण और मरीचिका मारिच शब्द से लिया गया। मारिच कौन था? रावण का मामा। तो जब मारिच हिरण बन के यानी मृग बन के सोना का हिरण बन के सीता जी के पास आया तो हिरण था नहीं, था वो कौन? मारिच, लेकिन दिख रहा था मृग। सीता जी उस चक्कर में पड़ गई और राम जी उसको उसका पीछा किया। राम जी ने मृग का पीछा किया लेकिन वो था मारिच, धोखा हुआ। तो यहां भी वही होता है कि रेगिस्तान में दिखता है पानी लेकिन पानी होता नहीं है। जैसे वो था मारिच, दिख रहा था मृग, उसी तरह है बालू, दिख रहा है पानी, या है रोड, दिख रहा है पानी। इस घटना को मृग मरीचिका कहते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कैसे होता है? देखिए, होता क्या है, जैसे बालू है या सड़क है, मान लीजिए ये सड़क है या ये राजस्थान का बालू है, रेगिस्तान का बालू है, ठीक है, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि धूप है, गर्मी का दिन है, धूप है, तो सड़क गर्म होगा। मान लीजिए कि अगल बगल में खेत है तो खेत उतना ज्यादा गर्म नहीं होगा जितना ज्यादा सड़क गर्म होगा, या बालू जितना ज्यादा गर्म होगा। हम लोग का सामान्य जमीन उतना गर्म नहीं होता है, बालू थोड़ा जल्दी गर्म होता है। तो ये रोड गर्म है, प्रकाश पड़ा है तो, क्योंकि अलकतरा अलकतरा सब इसमें लगा है तो ये गर्म हुआ है। तो इसके पास की जो हवा है वो ज्यादा गर्म होगा, रोड से संपर्क में जो हवा है वो ज्यादा गर्म होगा। उसी तरह बालू के संपर्क में जो हवा है वो ज्यादा गर्म होगा, ठीक है, और ऊपर का हवा इसकी अपेक्षा थोड़ा कम गर्म होगा। यानी जो गर्म हवा होता है वो बिरल हो जाता है, ठीक है, गर्म हवा बिरल हो जाता है और ऊपर थोड़ा कम गर्म हवा है इसलिए वो सघन है। ये ऊपर का जो हवा है वो सघन है, नीचे का जो हवा है वो बिरल है। तो क्या होगा, देखिए, सूर्य का प्रकाश जब सघन माध्यम से बिरल माध्यम में आएगा तो अगर हमेशा नहीं दिखता है, देखिएगा रोड पर पानी, अगर नजदीक जाएंगे एंगल बदल जाएगा, रोड दिखेगा, दूर से ही पानी दिखेगा। हमने बोला पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं, पहला प्रकाश सघन से बिरल में जाना चाहिए, दूसरा शर्त आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है तो प्रकाश हवा से आया और हवा में ही लौट जाता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, प्रकाश सड़क तक पहुंच ही नहीं पाता है। और परावर्तन के नियम में आप जानते हैं कि हमें वही वस्तु दिखती है जिस पर प्रकाश पड़ता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश हवा से हवा में ही लौट गया, सड़क पर पहुंच ही नहीं पाया, तो सड़क तो दिखेगा ही नहीं और हवा तो हल्का हिलते रहता है और प्रकाश ये वाला हमको तब नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकाश पहुंचा ही नहीं, तो हमको यहाँ ऐसा अनुभव होगा कि पानी है, पानी होता नहीं है, अनुभव होगा, दिखेगा कि पानी है। कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सेम टू सेम वही काम होता है कहां पे? बालू पे। प्रकाश इस सघन हवा से बिरल हवा में आया और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया तो प्रकाश हवा से हवा में ही चला गया, तो हमको बालू नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसा लगेगा कि नदी बह रही है, ठीक है। ये भी घटना है मृग मरीचिका का बनना, ये भी घटना है मृग मरीचिका का बनना, और मृग मरीचिका के बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी तरह इंद्रधनुष में क्या होता है, बरसात के तुरंत बाद बारिश के बूंद आसमान में लटकी रहती है, ठीक है, अब प्रकाश का एक किरण आया तो जाहिर है ये हवा से पानी में जाएगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश थोड़ा मुड़ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ प्रकाश आर पार पानी को नहीं कर पाता है, चूंकि ये पारदर्शी पदार्थ है पानी, लेकिन कभी कभी यहाँ आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होने के कारण प्रकाश पानी में ही मुड़ जाता है और ये जो बरसात का बूंद है ये प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है और प्रकाश को सात रंगों में बांट देता है, ठीक है। आप जानते हैं श्वेत प्रकाश में सात रंग होते हैं, सात रंगों में हर बूंद इस तरह करेगा तो आसमान में हमें सात रंग का एक इंद्रधनुष दिखता है।
तो इंद्रधनुष बनने में तीन घटनाएं काम आती है, अपवर्तन यहाँ हो रहा है, प्रकाश मुड़ रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण निक्षेपण। तो इंद्रधनुष के बनने में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हाथ है, मृग मरीचिका के बनने में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हाथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।